बल्कि नबी क्या कहेंगे, नबी फरमाएंगे अनल्लाह मैं इस काम के लिए हूं, मैं इस काम के लिए हूं। और यहां से वहाबियों के अकीदे की बदअकीदगी भी जाहिर हो गई। वो कहते गैरुल्लाह से मांगना शिर्क, गैरुल्लाह की तरफ जाना शिर्क। अरे पूरी उम्मत कितने गैरुल्लाह के पास गई, आदम भी गैरुल्लाह, शीज भी गैरुल्लाह, नू भी गैरुल्लाह, सब गैरुल्लाह थे। और इन तमाम नबियों ने ये नहीं कहा अरे तुम अल्लाह को छोड़कर हमारे पास मांगने आए हो, हमसे मांग रहे हो मन्नत, मग़फ़िरत, बख्शीश हमसे तलब कर रहे हो, तुम तो मुशरिक हो गए, ये नहीं कहा। बल्कि वो और दूसरे गैरुल्लाह की तरफ भेज रहे हैं, दूसरा तीसरे गैरुल्लाह की तरफ भेज रहा है। तो गोया बता दिया कि गैरुल्लाह वो नहीं कि जो बचा न सके, हाँ वो जो बचा न सके वो तो गैरुल्लाह है, मगर जो बचा ले वो गैरुल्लाह नहीं, वो अहलुल्लाह है। तो मुस्तफा गैरुल्लाह नहीं अहलुल्लाह है। तो अहलुल्लाह और गैरुल्लाह का मतलब नहीं समझ सकता, तेरी अकीदगी तेरे अकीदे की बदअकीदगी है जो मुस्तफा गुनाहगारों से कहे मैं इस काम के लिए हूं। क्या वो इतने मजबूर है कि अपनी बेटी को नहीं बचा सकते? ये अहले बैत की तौहीन नहीं है तो फिर क्या है? ये अहले बैत का बुग्ज नहीं है तो क्या है? ये खातून जन्नत से दिली कुदरत नहीं है तो और क्या है? और फिर यही नहीं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी परेशान होंगे, नबी कोई परेशान हाल नहीं होगा। अरे नबी परेशान नहीं होंगे, मेरे नबी ने कहा जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनकी भी शान क्या होंगी? फरमाया शफाती उम्मती लिहलिल कबाइर, ऐ लोगों मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए, बड़े गुनाहगार मेरी तरफ आए, छोटे छोटे गुनाहगार मेरी उम्मत के वलियों की तरफ चले जाए। आज वो भी बख्शवाएंगे, मैं भी बख्शवाऊंगा, मगर उनका बख्शवाना और है, मेरा बख्शिश करवाना और है। मैं बड़े गुनाहगारों के लिए हूं इसलिए कि मेरा मकाम बड़ा है, मेरा मर्तबा बड़ा है। जो जहां कहीं किसी का पुरसाने हाल ना हो वो मेरी तरफ आए, मैं उसका मददगार हूं, मैं उसका पुरसाने हाल हूं। जब बड़े गुनाहगारों को नबी बचा सकते हैं तो माज़ल्लाह फातिमा को नहीं बचा सकते? लेकिन हो सकता है कुछ गैर मुकल्लिद
चालाक बैठे होंगे। बड़े गौर से सुनते हैं फारूक रजवी की तकरीर, नोट करते हैं और फिर हैदराबाद में कुछ चूजे हैं, मैं चूजे बोलता हूं उनको, मैं नाम भी नहीं लेता उन चूजों का, ऑडियो बैरत करते हैं, मैं कहता हूं क्या तुम्हारे बाप दादा मर गए हैं, मैं तुम्हारे बड़ों की ऐसी तैसी कर रहा हूं, जवाब तुम चूजे देते हो, मैं चूजों के मुंह नहीं लगता, हिम्मत हो तो तुम्हारे बड़ों को लाओ, मैं तो मुनाजरे के चैलेंज करता हूँ, हवाई बातें नहीं करता, तुम्हारे यहाँ कोई जमात में सब पैदा नहीं हुआ जो अब तक मेरे मुनाजरे के चैलेंज को कबूल करे, नारे तकबीर आते हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, नारे हैदरी, नारे हुसैन। मैं चूजों के जवाब नहीं देता, आजकल ये हैदराबाद के दो चार में नाम नहीं ले रहा, क्यों? मैं जानता हूं मैं नाम लूंगा इनको, इनके हैदराबाद के लोग पूरी तरह नहीं जानते, मेरे नाम लेने से दुनिया जानने लगेगी, तो मैं क्यों इनकी पब्लिसिटी करूं भाई, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो समझने वाले हैं, जो नेट की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें पता है कि मैं बोलता क्या हूं और मेरे जवाब में वो कौन आते हैं सामने, मैं कहता हूं चलो तुम्हारे भी जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं, इन चूजों का भी जवाब देने के लिए तैयार हूं, मगर एक शर्त है, तुम पहले लिख कर दे दो कि तुम जिनको बोलते हो, तुम जर्जिस को बोलते हो, तुम मेराज रब्बानी को बोलते हो, तुम तौसीफुर रहमान को बोलते हो, तुम तालिबुर रहमान को बोलते हो, तुम मौलवी सा को बोलते हो, तुम बड़ों बड़ों को बोलते हो, ये जितने हमारे बड़े हैं जाकिर नाइक से लेकर वो तौसीफुर रहमान तक, ये सब नाम मर्द है, ये नहीं बैठ सकते, तब मैं तुम्हारे साथ बैठने के लिए तैयार, पहले लिख कर दे दो। अरे ऐसे ऑडियो बनाते मुझे हंसी आती, नाम भी नहीं बताते कौन है, पर वो मेरे आगे लड़के जो हमारे सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन के लड़के पता लगाते यार किसने भेजा, कहां से भेजा, पता चलता हैदराबाद का, मैं कहता बेटा बच्चों जान दो, उसने नाम ही नहीं बताया अपना, जब उसके बाप का नाम नहीं मालूम, वो अब तक अपने बाप को खोज रहा है, हम इसको क्यों खोजे, इसको तो अभी अपने बाप का ही पता नहीं पता, तो बोलो तो डंके की चोट पर बोलो, बहरहाल चलिए यहाँ बैठे होंगे कुछ लोग और कह रहे होंगे
इतना धोखा दे रहा है फारूक रज़वी, कह रहा है फातिमा की हदीस, अरे ये तो बुखारी की हदीस है। हाँ बुखारी में है ये हदीस, ये बुखारी शरीफ में है हदीस। कौन सी हदीस? कि नबी ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, बेटी फातिमा अमल कर। ये बुखारी में मौजूद है, मैं इकरार कर रहा हूँ, कबूल कर रहा हूँ, मैंने हदीस देखी है, पढ़ी है। मगर हदीस पढ़ना और होता है, हदीस समझना और होता है। एक होती है रिवायत और एक होती है दिरायत। तुम रिवायत लेते हो, दिरायत तो तुम्हें दाल भी नहीं अभी तक आई उसकी। एक होता है तिलावत हदीस और एक होता है फहमे हदीस। इसमें बड़ा फर्क है। अहले हदीस पढ़ते हैं, समझते नहीं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं, हुजूर आप फिर मिलत फरमाया करते थे, बे इश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी इनको, बुखारी नहीं आती। ये बुखारी में मौजूद है हदीस, मगर बद्दयानती करने वालों, ये भी तो बता दिया होता कि मुस्तफा ने ये कहा कब था, किस वक्त कहा था, क्यों कहा था, क्या कहने की जरूरत थी। आइए मैं बताता हूं बुखारी में हदीस शुरू कहां से होती है। सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते कि कुरान अजीम की आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लाह ने आयत नाजिल की अपने हबीब पर। आयत करीमा क्या है? पारा नंबर है 19, सूरा है शूरा।